ऐसा कौन सा वर्ग है जो येन केन प्रकरण अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को जीवित रखना चाहता है? इस विवाद के लगातार बने रहने से किन्हें और किस तरह का लाभ हासिल होगा? कहीं धार्मिक भावनाओं और आस्था की आड़ में संवेदनशील मुद्दे को राजनीति का खेल तो नहीं बनाया जा रहा? उच्चतम न्यायालय बार बार साफ कर चुका है कि देश का संविधान ही सर्वोच्च है और यह संविधान से ही शासित होता है, लेकिन इसके बावजूद न्यायालय की कतिपय व्यवस्थाओं से असहमति व्यक्त करते हुए शरिया कानून का हवाला दिया जाता है। इन सवालों पर अगर गंभीरता से मंथन करें तो एक तथ्य सामने आता है कि पहली बार 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की आड़ में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं से भरपूर इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव के ताने बाने को प्रभावित करने के प्रयास किए गए। केंद्र सरकार ने जनवरी 1986 में मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उच्चतम न्यायालय का फैसला बदलने के लिए नया कानून बनाया, तो दूसरी ओर हिंदू समाज को खुश करने के इरादे से अयोध्या में लंबे समय से विवाद का केंद्र रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित स्थल का ताला फरवरी 1986 को अदालत के आदेश के तहत खोला गया। शाहबानो प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रमुख था, और अब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में समग्र न्याय के हित में संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के प्रति असंतोष को हवा देने में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे आगे है। शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ की व्यवस्था को मुस्लिम समाज की परंपराओं में हस्तक्षेप बताने का प्रयास किया गया था, हालांकि इसे किसी भी दृष्टि से धार्मिक मुद्दा नहीं माना जा सकता था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इस देश की एक नागरिक महिला को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत ही गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था दी थी, लेकिन इसे धार्मिक रंग दे दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ सदस्य अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूखंड राम लला मंदिर को सौंपने और मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि की व्यवस्था के संदर्भ में शरिया कानून का हवाला देकर धार्मिक भावनाओं को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या प्रकरण में संविधान पीठ ने निर्मोही अखाड़े के दावे को सिरे से अस्वीकार कर दिया और उसने किंतु परंतु के साथ इस निर्णय को स्वीकार किया। हालांकि न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार अगर जरूरी समझे मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को प्रतिनिधित्व दे सकती है। दूसरी ओर इस विवाद से संबंधित मुस्लिम पक्षकार फैसलों को स्वीकार करने और मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ भूमि आवंटित करने संबंधी न्यायालय के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर नहीं करने की बात कर रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड इकबाल अंसारी और अब जमीयत उलेमा हिंद ने शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने का फैसला लिया है। इसके बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विभिन्न मुस्लिम संगठनों को इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए तैयार करने का भरसक प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दिलचस्पी इस विवाद को बनाए रखने में क्यों है? राम जन्मभूमि मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि विवाद बने रहने से किसके हित पूरे होंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव और इस विवाद में शीर्ष अदालत में एक पक्षकार की ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी के मुताबिक बोर्ड का मानना है कि मस्जिद की जमीन अल्लाह की है और शरई कानून के अनुसार वह किसी को नहीं दी जा सकती और इस जमीन के लिए आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। जफरयाब जिलानी भले ही शरई कानून का हवाला देकर आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन वह इस सच्चाई से कैसे इनकार करेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश संविधान की व्यवस्थाओं से शासित होता है और ऐसी स्थिति में देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था ही सर्वोपरि होती है। इसका उदाहरण वाराणसी के दोषीपुरा में सुन्नी समुदाय के कब्रिस्तान में शिया समुदाय के भूखंडों से संबंधित विवाद में 1981 और 1983 का फैसला और केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने संबंधी फैसला है। इन बेहद उलझे हुए प्रकरणों का भी उच्चतम न्यायालय ने व्यावहारिक समाधान निकाला है। ऐसे ही अनेक प्रकरण हैं जिनमें सभी पक्षों को सुनने और सारे तथ्यों और साक्ष्यों पर गहराई से विचार के बाद शीर्ष अदालत ने अपनी सुविचारित व्यवस्थाएं दी हैं। इस समूचे विवाद में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन की परिणति न्यायिक व्यवस्था के रूप में होने का श्रेय आज भले ही संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लेने का प्रयास करे, लेकिन इसकी एक हकीकत और है।
इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि शाहबानो प्रकरण में शीर्ष अदालत का निर्णय बदलने के लिए कानून बनाने और फिर राम जन्मभूमि मंदिर के विवादित परिसर का ताला खुलवाकर स्थायी रूप से सांप्रदायिक तनाव की नींव कांग्रेस और राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने डाली थी। केंद्र सरकार ने शुरू में तो प्रगतिशील नेता और मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को शीर्ष अदालत के फैसले के पक्ष में उतारा, लेकिन बाद में वाई जिया और रहमान अंसारी जैसे नेताओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में झुक गई। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां सरकार ने जनवरी 1986 में उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए नया कानून बनाया, वहीं इसके एक महीने बाद ही फरवरी में फैजाबाद की एक अदालत के आदेश के तहत अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खुला। अदालत में जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि विवादित स्थल का ताला खुलने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होगी। राजीव गांधी सरकार ने अगर अप्रैल 1985 में ही पूरी दृढ़ता के साथ उच्चतम न्यायालय के फैसले में बदलाव करने से इनकार किया होता तो निश्चित ही धार्मिक मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू करने का कोई भी संगठन शायद दुस्साहस नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में विवादित स्थल का ताला खुला और फिर शिलान्यास की भी प्रक्रिया हुई, और रही सही कसर विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से बीजेपी के बाहर आने के बाद इसके प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा ने पूरी कर दी। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह सवाल उठता है कि आखिर इन विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से न्यायिक व्यवस्थाओं से हो रहे समाधानों का विरोध करने से किसे लाभ होगा। अब समय ऐसे मुद्दों पर धार्मिक भावनाएं उभार कर तनाव पैदा करने का नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर नई डगर पर चलने का है।